दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इट्सी से रिलेटेड ये वीडियो मेरी होने वाली है। और इसी में, हालांकि इट्सी को जो है इंडिया में बैन कर दिया गया है नवंबर 2023 से, फिर भी मैं जो नवंबर 2023 से पहले जितने भी सेलर्स थे या जिन्होंने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ था इट्सी के अंदर, तो वो अभी भी अपना इट्सी पे जो है कंटिन्यू अभी सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो और मैं भी इट्सी का एक सेलर हूँ और इट्सी के मैंने कुछ वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो उसी से रिगार्डिंग यानी कि कुछ ऐसी अपडेट है जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरा अपना ईमेल का जो इनबॉक्स है वो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के अंदर आज मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में आप देखेंगे 9 बजे के आसपास मेरे को एक मेल रिसीव होती है, और मेल जो होती है यहाँ पे आप देखेंगे इट्सी कन्वर्सेशंस जो है इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ ही आप देखेंगे कि इसमें जो ये मेल है यानी इट्सी का जो कन्वर्सेशन होता है विद ZXC, यानी कि ये वाली जो है इसमें मेल मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो मेल है आप देखेंगे कि कन्वर्सेशन जो होता है और विद ZXC यहाँ पे नाम दिया गया है, और इसमें आप ईमेल आईडी अगर आप देखते हैं तो ये वाला ईमेल आईडी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अब ये जो कन्वर्सेशन @mail.itsi.com, यानी कि आप इस तरह का जो ये मेल आप देखेंगे ये मुझे आज मॉर्निंग के अंदर रिसीव होता है, और इसमें सारे प्रॉपर आपको एक तरह का लिंक अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इट्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सारा सब कुछ आपको लगेगा कि एकदम प्रोफेशनल जो होता है ईमेल इस तरह की है। और इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये मेल आज मॉर्निंग के अंदर मुझे रिसीव होती है, और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने अपना नाम यहाँ पे दिया है कि हमारा नाम ये है, और ये क्या करते हैं कि ये प्रोफेशनल ऑपरेशंस जो होते हैं टीम इसके जो होते हैं कोलेबरेट करते हैं ऑपरेशन और योर स्टोर, यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि ये एक तरह की प्रोफेशनल सर्विस जो होती है कि जितने भी कोलेबरेट करते हैं आपका स्टोर को, जितने भी और भी जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं उनसे आपका रिलेशनशिप अच्छा सा क्रिएट करते हैं, और इसके साथ ही सक्सेसफुल कोलेबरेशन ही करते हैं, और विल पे द फिक्स्ड कंपनसेशन $30 per week। तो यानी कि ये कहते हैं कि हम अच्छे से कोलेबरेट करते हैं, और कोलेबरेट करने के साथ ही आपके स्टोर को हम अच्छे से मेंटेन करते हैं, इसके बदले हम आपको पैसा पे करेंगे, यानी $30 उन्होंने बताया कि मैं हम आपको वीकली पेमेंट करेंगे, और इसी के साथ आपको टाइम टू टाइम जो है बोनस भी ये देते हैं, और वो बोनस आपका जो होता है $300, यानी आप देखेंगे इसमें जो है बोनस भी इन्होंने बात कही है। तो ये कहते हैं कि ये सब हम आपको क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये क्या करते हैं कि आप अपना जो स्टोर होता है वो हमें हैंड ओवर आप कर दीजिए, यानी कि अब मेरा जो स्टोर है एटसी पे मैंने अपने स्टोर को जो क्रिएट किया हुआ है, तो ये कहते हैं कि आप अपना जो स्टोर है हमें हैंड ओवर कर दीजिए, और इसमें क्या करते हैं कि ये हैंडल को इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं यानी कि आपके लॉजिस्टिक होते हैं, सेल होती है, सर्विस होती है, इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ इसमें सर्विसेज होती हैं, विल रिमोटली एक्सेस योर स्टोर, यानी कि ये क्या करेंगे कि मेरा जो स्टोर होगा इंडिया के अंदर मेरा स्टोर मैंने क्रिएट किया है, तो हम मेरे स्टोर को ये रिमोटली एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने के बाद में अब इनकी जो ज़रूरत होती है नीड दे प्रोवाइड एन इंटरनेट कनेक्शन दैट यू आर अलाउ रिमोट एक्सेस। तो इनका कहना है कि आप हमें क्या कर दीजिए कि आप जहाँ पर भी आपने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है तो इसमें अपना एक इंटरनेट कनेक्शन हमें प्रोवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इनका ये कहना है कि जहाँ से यानी कि मेरा जो ये लैपटॉप है या मेरा जो लोकेशन पे जहाँ पे मैंने अपने स्टोर क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन होगा, मेरा लैपटॉप ऑन होगा, और इसके साथ ही ये उन्होंने कहा कि अगर आप हमें ये चीज़ दे देते हैं तो हम आपको इस तरह की पेमेंट करेंगे। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि दोस्तों कि ये टोटली इसमें इन्होंने एक तरह का, आपको मैं बता देता हूँ, ये फेक मैसेज होते हैं या इस तरह की जो मेल्स आपको अगर रिसीव होती है तो उसको आप कोई भी रिप्लाई ना करें, इस तरह की मेल को आप इग्नोर कर दें। और यहाँ पर आप देखेंगे और इन्होंने एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया इसके अंदर, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग पेमेंट के, अगर पेमेंट से रिलेटेड होती है, कोई दूसरी भी अगर आपकी क्वेरीज होती हैं, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, तो कॉन्टेक्ट करिए एस वाया व्हाट्सअप, इन्होंने कॉलिंग के लिए मना किया है, केवल आपको क्या करना है वाया व्हाट्सअप, व्हाट्सअप पे जो है ये नंबर इन्होंने दिया गया है, और इसी के अंदर यहाँ पर आप दिया गए कि हम आपको जो है इसके रिवर्ट आपको कर देंगे इस चीज़ पे। तो ये नंबर इन्होंने प्रोवाइड किया है, नंबर आप देखेंगे +1 से स्टार्ट हो रहा है, +1 जो होता है कि प्लस
यूनाइटेड स्टेट का जो कोड होता है ये +1 वहीं से होता है। इसमें रिप्लाई का ऑप्शन दिया गया है कि आप हमें इस पर रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने मेल आपको दिखा दी, मेल किस तरह की आती है। मेल के अंदर आप भी याद देखेंगे कि conversations@mail.itc.com है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप मेल भी देखेंगे, mail.itc.com, यानी इन्होंने एक तरह का इट्सी से सिमिलर ही इसके मेल को बनाया ताकि एकदम ये प्रोफेशनल लगे। अब मैं आ जाता हूँ मेरा इट्सी का जो स्टोर है। अब इट्सी के पहले इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ कि ये नवंबर 2023, यानी इट्सी को जो है नवंबर 2023 के बाद में इंडिया में बैन कर दिया गया था, क्योंकि अब जो नया कोई भी स्टोर है इट्सी पे नवंबर 2023 के बाद में कोई भी सेलर्स इसके अंदर अपना स्टोर क्रिएट नहीं कर सकता। तो अब लेकिन जो इनसे पहले जिन्होंने स्टोर क्रिएट किए हुए हैं वो उनके इट्सी पे कंटिन्यू अभी स्टोर रनिंग में है और वो अपना इसमें बिजनेस कर रहे हैं कंटिन्यू, जैसे मैं भी इसमें अपना कर ही रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी इट्सी पे इतना फोकस नहीं किया, लेकिन मेरा अपना अकाउंट इसमें मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इट्सी का स्टोर भी आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा स्टोर है यहाँ पे, जैसे शॉप मैनेजर पे मैं जाता हूँ और जाने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा इट्सी का जो है स्टोर है। और इसी के अंदर मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा देता हूँ मैसेज, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इट्सी का जो मेरा अपना शॉप है, इसी के अंदर आपको ये मैसेज में मैं जाके क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैसेज में मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला मैसेज जो मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैसेज था वो, और जो सेम मेल के अंदर जो आप देखेंगे, और ये भी 12 घंटे पहले मेरे को रिसीव हुआ है, और इससे पहले भी मेरे को इट्सी की ओर से जो है मैसेज रिसीव हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे आप देखेंगे एट्सी इंडिया के मैसेज हैं। और यहाँ पर नीचे एक टैग डिफाइन किया गया है, इस टैग में ये लिखा गया है कि वेरीफाइड मैसेज फ्रॉम इट्सी स्टाफ, यानी कि इस तरह का अगर टैग किसी में लगा होता है, कोई भी मैसेज अगर आपके पास रिसीव होता है, तो उस केस में आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर इसका जो टैग होता है, यानी कि ये वेरीफाई मैसेज है, नीचे भी आप देखेंगे ये भी वेरीफाइड है मैसेज जो होता है कि ये इट्सी स्टाफ की ओर से मैसेज है, बट इस मैसेज के अंदर इस तरह का कहीं पर भी कोई टैग डिफाइन नहीं किया गया है, और इसमें ये वेरीफाई नहीं किया गया इट्सी की ओर से कि ये जो मैसेज आया है आपको इट्सी की ओर से प्रोवाइड किया गया है। अब जैसे मैं इसमें, ये भी एक तरह का मेल ही है, अब इसमें आप देखेंगे ये इट्सी की तरफ से मुझे मेल रिसीव हुआ था जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया, और इसी के साथ इनबॉक्स में वापस आ जाता हूँ। और ये वाला जो मेल है मैं आपको दिखा देता हूँ, अब इसके अंदर आपको क्या होता है, ये मैसेज कहीं पर भी इट्सी की ओर से इसको वेरीफाई नहीं किया गया है, और ये सेम वही मेल है, यानी कि ये मैसेज है जो कि मैंने आपको अभी अपना ईमेल के अंदर आपको दिखाया था। तो इस तरह का कोई भी जो होता है, जो मैसेज होते हैं, इन मैसेज को आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई आपको नहीं करना है। और इसमें इन्होंने भी एक तरह की वार्निंग लिखी है कि जो रियल मैसेज होता है वो इसमें कि आप देखेंगे कि रियल मैसेज होता है इट्सी की तरफ से, तो उसमें जो है इन्होंने बेस डिफाइन किया गया है इट्सी स्टाफ, यानी इट्सी स्टाफ का जो है लेबल इसमें लगा होता है। अगर ये इट्सी स्टाफ का लेबल लगा हुआ नहीं होता है तो ऐसे मैसेज को आपको इग्नोर करना है। और इस तरह के ये देखिए बेस यहाँ पे लगा हुआ है, इट्सी स्टाफ की तरफ से वेरीफाइड होता है, तभी आपको जो है अपना स्टोर का या रिमोट का, पहली चीज़ तो इट्सी के स्टाफ की ओर से कभी भी ये आपको जो है रिमोट एक्सेस के लिए नहीं बोला जाता है कि आप अपना रिमोट एक्सेस हमें दीजिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह के कोई भी आपके पास फ्रॉड मैसेज आता है या कॉल आता है, और इस तरह से आपको अगर ये डॉलर के अंदर दिखाया जाता है कि हम आपको इतना बोनस देंगे या इतना आपको डॉलर हम मंथली वीकली या इस जो स्टोर हमें आप रिमोट एक्सेस हमें दे दीजिए, तो इस तरह के रिमोट एक्सेस आप कभी भी किसी को ना दें, क्योंकि इट्सी जो होती है कि अमेरिकन कंपनी है, और अमेरिकन की कंपनी होने के साथ ही इसके जो है अगर आप अपना अच्छा खासा स्टोर अगर आपका चलता है और आप इसमें डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, तो उस केस में आप अगर अपने स्टोर की कंट्रोलिंग किसी और के उसमें हैंड ओवर कर देते हैं, तो उस केस में आप अपने स्टोर से भी हाथ धो के बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी थोड़ी सी इट्सी से रिलेटेड मेरी गाइडलाइन थी कि इस तरह का अगर कोई भी फेक या मैसेज आते हैं या कोई भी टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव होता है या मेल रिसीव होती है, तो इस तरह के मैसेज को आप यहां पे कर दें मार्क एज स्पैम, आपको केवल ये करना है। तो ये क्या होता है कि इस तरह के जो नेक्स्ट टाइम जो भी मैसेज आएगा आपको उसके अंदर स्पैम में चला जाएगा। तो ऐसे मैसेज को कभी भी आप कोई भी उसको रिप्लाई ना करें और रिमोटली एक्सेस अपने स्टोर का किसी को ना दें। तो दोस्तों ये इट्सी से रिलेटेड मेरी वीडियो थी, जो कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए था। तो ये मैंने इट्सी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी इट्सी के अंदर अपना कारोबार जो है हाल ही में स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने अपना स्टोर इसमें क्रिएट किया हुआ है, तो काफ़ी कुछ लिस्टिंग्स मैंने इसमें की हुई है। अगर मैं लिस्टिंग्स की बात करूँ तो अप्रॉक्स में 7 से 8 मेरी लिस्टिंग है, तो वो अभी मेरी लिस्टिंग इसमें एक्टिव है।
आप देखेंगे कुछ ही एक ज़्यादा नहीं है, मेरी लिस्टिंग इसमें एक्टिव है। तो ये वाली जो इस तरह की मेल आपको अगर आती है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसके लिए आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, और अपना स्टोर का आईडी और पासवर्ड किसी भी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर ना करें। तो अगर हैंड ओवर आप करते हैं तो आप अपने स्टोर से भी हाथ धो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।